हरिओम हरिओम। बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा आप पर सदा कृपा बनाए रखे, माँ देवी कृपा आप पर आए। जल्दी से नाम बताइए बेटा। मेरा नाम बिकाऊ महतो है। कहाँ से बात कर रहे हो आप? समस्तीपुर से। कितने वर्ष के हो बेटा आप? जी 50, लमसम 50 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 21। अपनी माँ का नाम बताएं। मेरखुन देवी। 3 बार बेटा ऊंचे स्वर में ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बीमारी ने घेर रखा है, कारोबार में बरकत नहीं है, रोजगार में सफलता नहीं मिलती, घर में पैसा रुकता नहीं, आमदनी कम खर्चे ज्यादा। ऐसा ही हो रहा है बेटा? जी। आपके घर में बेटा बड़ी भारी तंत्र बाधा है बेटा, और आपको जन्म से ही बेटा ऋण लगा हुआ है बेटा, इसको जातक ऋण बोलते हैं। शनि को प्रसन्न करिए, जीव जंतुओं की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, कीड़े मकोड़ों को बेटा आटे का चूरमा बना के डालना शुरू कर दीजिए, और यदि कहीं लाल चींटियां मिलती हैं आपको जी? तो लाल चींटियां ढूंढो बेटा। लाल चींटियों को मंगलवार के दिन बेटा थोड़ा बूरा चीनी और काले तिल और आटा भून के बेटा उसमें डाल के लाल रंग की चींटियों को बेटा डालना शुरू कर दो, जिससे बेटा आपका कल्याण शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बेटा कबूतरों को जौ आपको रोज खिलानी है। 1 रोटी बेटा आपने गुड़ वाली रोज बनानी है घर में, आटे में थोड़ा गुड़ डालकर उस रोटी पर 1 चम्मच जौ रखकर बेटा वो रोटी बेटा गाय को खिला दीजिए। ये प्रक्रिया बेटा आपको अवश्य करनी है, ये प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। 7.25 रत्ती का रूबी रतन धारण करना है, सूर्य को जल दिया करो, काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने, चमड़े के जूते पहनना बंद कर दो, और वर्ष में 1 बार चमड़े के जूते बेटा आपने किसी गरीब व्यक्ति पुरुष को आपने दान करने हैं। ये उपाय करना। सुबह जब स्नान करते हो तो जल में थोड़े से काले तिल डालकर बेटा स्नान किया करो, और योग्य विद्वान से थोड़ा बेटा सूर्य की और शनि की विशेष शांति करवाएं, जातक ऋण की शांति करवाएं, जिससे आपका कल्याण होगा, बरकत आएगी, और बीमारियों से बहुत जल्दी पीछा छूटेगा। ऐसा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा आपका सदा कल्याण करे। जिसने की शर्म उसके घर में आगे आप सोच लीजिए। कहते भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, अगर भावना में ही भाव हो तो भंसे बेड़ा कब उनका नहीं जो मौजों में मस्ती के सहारे डूब गए, रोना उनकी किस्मत का जो बैठ किनारे डूब गए। Yeah!
बोलिए हे कीकर वाले देवता, मेरे जीवन से सर्व दुखों का अंत करें, मेरे सुख संसार में, मेरे जीवन में, मेरे घर परिवार में सुख समृद्धि, सुख समृद्धि देवताओं का वास करें। हे कीकर, तुम्हें कीकरी की सौगंध। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और एक बार बैठ जाएं। सभी बैठ जाएं। अब यहां पर कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जिन्हें हमें अपने जीवन से दूर भगाना है। ये शास्त्र कहते हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं कि जब एक साथ कम से कम 100 व्यक्ति उस परमात्मा का ध्यान करें तो उसे वहां उपस्थित होना पड़ता है। इसी प्रकार एक साथ जब 100 व्यक्ति एक ही ऊर्जा में जब आदेश करकर अपने जीवन से हम बुरी शक्तियों को पलायन करने के लिए बोलते हैं तो उन्हें हमारे जीवन से जाना ही पड़ता है। तो आप सभी ने पूरी ऊर्जा से मेरे साथ बोलना है कि हे बुरी शक्तियों, हे बुरी शक्तियों,